चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज वॉशिंग मशीन का जो ये फ्रंट पैनल होता है वो किस प्रकार से ओपन किया जाता है ठीक है तो पूरी डिटेल आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए ठीक है, है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ये जो देखिए खाचे हैं मैं दिखा देता हूँ उठा उठाकर उठा दोनों ढकने इसके नीचे खाँचे होते हैं सबसे पहले आप लोगों को एक पेचकस लेना है बड़ा सा ठीक है और पेचकस को ये जो आप लोग देख रहे हैं पेच इधर देख रहे हैं यहाँ पर पीछे तीन चार पेच होते हैं जो पैनल के ऊपर होते हैं फ्रंट पैनल के तो आप लोगों को सबसे पहले वही पेज को खोल लेना है ठीक है वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो खोल है अब देखिए जहाँ ये हमारा पैनल लगा हुआ है यानी कि ढकना लगा हुआ था उसके नीचे छोटा सा एक छेद होता है यानी कि का जो का हमारा चला जाए इस प्रकार से ठीक है होता है तो वहाँ पर आप का डालोगे तो ऊपर को उसके लोक आप लोगों को तोड़ने हैं ठीक है थीके? तो देखिए मैं ये ढकने उठाकर जो ये जगह देख रहे हैं नीचे जगह थोड़ी थोड़ी तो उसके यहाँ पर लोक होते हैं उस उस लोक को आप लोगों को पेचकस की मदद से तोड़ लेना है तो यहाँ पर देखिए मैं पेचकस की मदद से हल्का हल्का आप देखोगे तो पैनल हमारा ऊपर को उठ रहा है पेचकस की मदद से इसका लोग जो उठ रहे हैं देखिए इस प्रकार से ठीक है दिख रहा होगा आप लोग को ठीक करके तो आप लोगों को उसी प्रकार से सारे पैनल के लोक तोड़ने हैं ठीक तो देखिए बड़े ही आसानी के साथ हमारा जो पैनल है वो उड़ जाएगा अगर आप इसके साथ ज़बरदस्ती करोगे खाचेतानी करोगे तो हमारा जो पैनल है वो गोदरेज का टूट जाएगा और कभी भी वो हमारा पैनल खुलेगा नहीं तो ठीक है तो मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोग बेहतर तरीके से गोदरेज वॉशिंग मशीन का पैनल खोल लोगे तो आज के लिए इतना तो ही मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ ठीक है तो आज के लिए धन्यवाद